फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बारिश का मौसम हो गया है शुरू, तो आज हम बनाने वाले बहुत ही जबरदस्त कांदा भजिया या फिर ऑनियन भजिया की रेसिपी। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ मैंने प्याज ले लिया है, तो प्याज को मैंने छील लिया है। इसका टॉप और बॉटम कुछ इस तरीके से हमें फ्लैट कट करके तैयार करना है। फिर प्याज को दो हिस्से में कट कर देंगे और फिर इसकी करेंगे स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग की डायरेक्शन इस तरीके से हमें लंबाई में काटनी है, तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। सारे स्लाइसेस हमें सेम थिकनेस के काटने हैं, तो देखिए इतनी हमें थिकनेस ऑनियन की रखनी है। अब इन सारे स्लाइसेस को इस तरीके से अलग कर देंगे ताकि प्याज के जो लेयर्स है वो अलग हो जाए। अब इसमें स्वाद अनुसार हम डाल देंगे नमक और साथ में हम इसमें डालने वाले हैं मिर्ची पाउडर। तो आप कश्मीरी मिर्ची का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कलर ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग मिर्ची की अमाउंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ करीबन एक टीस्पून मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैंने डाल दिया 1/4 टीस्पून हींग और इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स। क्योंकि हमने इसमें नमक डाला है तो प्याज जो है पानी छोड़ने लगेगा। तो जैसे ही ये इस तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाए, मिर्ची और नमक हर तरफ लग जाए, हम इसमें डालेंगे बेसन। तो बेसन मैंने यहाँ लिया है 1/2 कप। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बेसन आपको डालना है और करना है मिक्स। साथ में मैं यहाँ डालने वाली हूँ 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो सिर्फ बेसन से भी पकौड़े बना सकते हैं, बट इससे ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। बेसन का अमाउंट कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा हिसाब से आप डालें। बहुत ज़्यादा बेसन होगा तो फ्लेवर अच्छा नहीं आता। मैंने ज़रा सा भी पानी यूज़ नहीं किया है, जो प्याज के मॉइस्चर से ही मेरा काम हो गया था। पर आपको ज़रूरत पड़े तो 2-3 छींटे आप पानी के डाल दीजिए। इन द मीन टाइम मैंने पहले से ही तेल को कर लिया था अच्छे से गरम, और इसमें से हम 2 चम्मच गरम गरम तेल डाल देंगे हमारे मिश्रण में और कर देंगे उसे मिक्स। मिश्रण बनाने के बाद आपको इसे बिल्कुल रखना नहीं है, वरना वो पानी छोड़ने लगेगा और आपका बैटर लूज हो जाएगा। इसलिए जैसे ही तेल गरम हो जाता है, गैस का फ्लेम मैंने रखा है मीडियम, हम इस तरीके से कांदा भजिया को करेंगे ड्रॉप। तो ड्रॉप करते समय आपको शेप नहीं देना है, जस्ट इस तरीके से थोड़ा सा करके आपको इसे डाल देना है गरम गरम तेल। तो आप देख सकते हैं ढेर सारे बबल्स हैं यहाँ पे। जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा वैसे वैसे बबल्स कम हो जाएंगे। तो थोड़ी देर इसे डिस्टर्ब नहीं करना है और फिर एक कड़छी के मदद से इस तरीके से पलट पलट कर दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में फ्राई करके तैयार करना है। और फिर इसे रख देंगे हम छलनी में। तो इसी तरीके से सारे भजिए हम बना देंगे। अगर आप भजियों को गोल शेप करके डालोगे तेल में तो वो क्रिस्पी इस तरीके से नहीं बनेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि भजियों को कैसे फ्राई करना है। मैं यहाँ बना रही हूँ कांदा चटनी। तो मैंने यहाँ चॉप्ड प्याज, स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्ची पाउडर लिया है, और इस पर मैं डालने वाली हूँ गरम गरम तेल जिसमें हमने भजिए को फ्राई किया था, और फिर इसे कर देंगे मिक्स। तो बहुत सी क्विक चटनी भी तैयार है। तो मैंने इसे कर दिया डिश आउट। अब मैं बताती हूँ ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो देखा आपने कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं और कितने फटाफट बारिश में आप ये मज़ेदार से कांदा भजिए बना के इसका मज़ा उठा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।